बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पे काम करता है। जितना बेहतर आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी उतना बेहतर आप किसी बीमारी से बचेंगे, किसी भी बीमारी से आपके शरीर में प्रवेश बच सकते हैं। दूसरा, किसी भी बीमारी से आप कह लीजिए आपके शरीर में अगर कोई प्रवेश हो चुका है तो वो जल्द से जल्द रिकवर होगा, जल्द से जल्द आप ठीक होंगे। यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो इसीलिए इम्यूनिटी की, एक मजबूत इम्यूनिटी की जरूरत हर किसी को है। तो ये प्रोडक्ट हमारा एक मजबूत इम्यूनिटी के लिए किसी को भी रिकमेंड किया जा सकता है, सिवाय एक डायबिटीज का मरीज छोड़ के ये किसी को भी रिकमेंडेबल है। ओके, शुगर का मरीज छोड़कर ये किसी को भी रिकमेंडेबल है, पहली बात। दूसरा, जिन समस्याओं पे ये एज अ मेन प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाता है उसमें आती है सांस संबंधी समस्याएं, अस्थमा, टीबी, साइनस, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ को कहते हैं, दमा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ को कहते हैं। टीबी, टीबी आपके सीने में कफ के जमाव को कहते हैं। साइनस, नेजल पैसेज में जो ये जो आपके नाक का ब्रीदिंग रास्ता होता है इसमें कफ के जमाव को कहते हैं। एंड ब्रोंकाइटिस, सांस की एलर्जी की समस्या, नेजल पैसेज की एलर्जी की समस्या को कहा जाता है। ओके, रिकमेंडेशन ऐसे में क्या रहती है, एक चीज आज डायरी पर टॉप पर लिख लीजिएगा, जब भी बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, आई रिपीट इट अगेन, कुछ भी हो, पंच तुलसी और वीटा डॉक जरूर दिया जाएगा। बीमारी संबंधित प्रोडक्ट्स में पंच तुलसी और वीटा डॉक जरूर दिया जाएगा, पहली बात। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर से, शुगर का मरीज किसी को भी दे सकते हैं। नाउ द कॉम्बिनेशन फॉर रेस्पिरेटरी या कह लीजिए ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स क्या रिकमेंड किया जाएगा, इम्यूनोडॉक्रस, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक प्रोवाइकॉट, जिंक टैबलेट, पंच तुलसी वीटा डॉक तो मैं पहले लिखवा चुकी हूँ कि देना है। ओके, तो क्या रहा कॉम्बिनेशन, इम्यूनोडॉक्रस, थंडरब्लास्ट, कफ डॉक प्रोवाइकॉट एंड जिंक टैबलेट, ये हुआ कॉम्बिनेशन। ऐसे में जिन लोगों को कफ के ज्यादा जमाव की दिक्कत है ना, सीने में ज्यादा कफ जमा हुआ है, ये नेजल पैसेज पे कफ जमा हुआ है, सांस लेना भारी हो रहा है, सर बहुत भारी हो जाता है, सॉरी, उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है दो ड्रॉप जेसीओएल, एक ड्रॉप पंच तुलसी की भाप। दो ड्रॉप जेसीओएल, एक ड्रॉप पंच तुलसी डालकर भाप लेंगे जिससे कफ लूज हो जाए और छींकों के माध्यम से, लूज मोशन के माध्यम से शरीर से निकल जाए। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स। मेंटल हेल्थ की अगर मैं बात करूं, याददाश्त कमजोर होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, मिर्गी पड़ना है ना, ज्यादा गुस्सा आना, ज्यादा झुंझलाहट लगना, डिप्रेशन, अग्रेशन, इस तरह के सारे बिहेवियर्स मेंटल हेल्थ की आप कह लीजिए अस्वस्थ होने पर पता चलते हैं आपको। दिमाग के अस्वस्थ होने पर क्या दिया जाएगा, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक प्रोवाइकॉट, साथ में पंच तुलसी वीटा डॉक अनिवार्य है ऑलरेडी, ठीक है, इम्यूनोडॉक, थंडरब्लास्ट, ब्रेन डॉक प्रोवाइकॉट एंड अगर ज्यादा दिमाग तनाव में है तो अश्वगंधा या जिंसिंग में से कोई एक, अश्वगंधा या जिंसिंग। ओके, इसे यूज कैसे करते हैं, मैक्सिमम 15 से 20 ml दिन में दो बार खाना खाने के बाद लेना है। ओके, यदि इस प्रोडक्ट के सेवन से आपको गैस बन रही है, अगर इस प्रोडक्ट के सेवन से आपको गैस बन रही है तब अगर इस प्रोडक्ट के सेवन से आपको गैस बन रही है तब ये खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लिया जाए, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लिया जाए। इसे डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों को देना नहीं है, 15 से 20 ml दिन में दो बार खाना खाने के बाद आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसे थंडरब्लास्ट रस। थंडरब्लास्ट रस बेसिकली आप कह सकते हैं बॉडी में थंडर मचाने के लिए। ओके, थंडर मतलब तूफान, सर्कुलेशन को थोड़ा तेज करना जिससे कि आपका ब्लड में के माध्यम से सर्कुलेट होता है, आपका ग्लूकोज, एनर्जी, हार्मोन, हर चीज बॉडी में, ऑक्सीजन, सब कुछ ब्लड के ही माध्यम से यहाँ से वहां जाता है। तो ब्लड की अगर गति धीमी होगी तो अपने आप आपको ये टेक्निकली आप अपने आप ही शरीर में प्रॉब्लम महसूस करेंगे। ऐसे में थंडरब्लास्ट रस लिया जाता है, इसीलिए एक हाई ब्लड प्रेशर, जहाँ ऑलरेडी ब्लड का प्रेशर बढ़ा हुआ है
उस केस उस सिचुएशन को छोड़कर सभी सिचुएशन में थंडरब्लास्ट एज अ ताकत का सोर्स दिया जाता है। जरूरी बात, थंडरब्लास्ट जहां बीमारी या समस्याओं के लिए रिकमेंड किया जा रहा है उस समस्याओं में क्या गिनेंगे हम, सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न, जिसमें मेजर प्रॉब्लम आती है इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता की पुरुषों में, बांझपन की महिलाओं में। क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट साथ में पंचतुलसी डॉक देंगे ही देंगे, महिला के लिए गाइनेकोलॉजिस्ट और पुरुष के लिए टेस्टोफास कैप्सूल विद हमारा नया लॉन्च हुआ प्रोडक्ट शिलाजीत कैप्सूल या फिर हॉनी गोट वीड एक्स्ट्रा कैप्सूल, इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है सामने वाले की परिस्थिति स्थिति देखते हुए, पहली बात। दूसरा कॉम्बिनेशन रहेगा, आप कह सकते हैं जहां बॉडी का कोई पार्ट सुन्न हो गया, कोई पार्ट सुन्न हो गया है, डेड हो गया, ऐसे में आपने सिंपली यहाँ पर रिकमेंड क्या करना है, इम्यूनोडॉक थंडरब्लास्ट ब्रेन डॉक प्रोवाइड क्वार्ट। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर ये भी आई होगी कि देखिए ब्रेन डॉक प्रोवाइड क्वार्ट आप ब्रेन डॉग प्रोवाइकवाद के साथ आपको एक एक क्वेरी ये भी आई होगी, जब आपने सुना है कि ब्रेन डॉग प्रोवाइकवाद का पीछे का जो कॉम्बिनेशन डिप्रेशन एग्रेशन के लिए बताया मैम ने वो भी सेम है ना, बॉडी का कोई पार्ट सुने तो भी सेम है, दोनों में फर्क है। जहां पर ब्रेन डॉग प्रोवाइकवाद एज अ मेन रोल प्ले कर रहा है वहां पर आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न होंगे, लेकिन जहां पर बॉडी का कोई पार्ट सुने वहां पर मेन रोल थंडरब्लास्ट करेगा, वहां पर ज्यादा थंडरब्लास्ट दिया जाएगा। कितना ज्यादा, एक समय पर दिए जाने वाले कुल प्रोडक्ट की संख्या 40 ml को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, एक समय पर एक बार में एक जैसे दिए जाने वाले प्रोडक्ट्स की संख्या 40 ml से ऊपर नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर ओके, इसको यूज करने के लिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, तो जब आप डिप्रेशन एग्रेशन के लिए ले रहे हैं तब क्या अमाउंट होगा, तो लगभग आप ये कह सकते हैं 20 ml तक लिया जाएगा, और जहां पर मेंटल हेल्थ के लिए लिया जा रहा है तो वहां पर 5-10 ml तक लिया जाएगा, ऐसे अलग अलग मैटर करता है कि क्या चीज कितनी यूज की जा रही है। नेक्स्ट अप, इसे 15-20 ml मैक्सिमम डोजेज आप ले सकते हैं, 20 ml से ऊपर एक्सीड नहीं करना, और 20 ml डायरेक्टली नहीं देना है किसी को भी, 20 ml आपने डायरेक्ट नहीं देना है। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप थंडरब्लास्ट 20 ml से लेंगे, नहीं, पहले 5-7 दिन 5-10 ml लेंगे, उसके बाद 5-7 दिन वेट करेंगे, अगर आपको लूज मोशन घबराहट बेचैनी कुछ नहीं है तो इसका मतलब आपको डोज सूट कर गया है, फिर आप और बढ़ा सकते हैं डोज 5-10 ml और बढ़ा सकते हैं, डायरेक्टली 20 ml 25 ml थंडरब्लास्ट नहीं लिया। ओके, और एक जरूरी बात, इसके साथ एक ग्लास गुनगुना दूध जरूर लिया जाएगा, डायबिटीज का मरीज छोड़ के बाकी सभी को एक गुनगुना दूध रिकमेंडेड है इसके साथ। जरूरी बात, जो आपको भी बताई, हाई ब्लड प्रेशर के केस में किसी भी परिस्थिति में थंडरब्लास्ट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, वेलनेस टैबलेट एंड गाइनेकोलॉजिस्ट दोनों अलग अलग, दोनों सेम नहीं। दूसरा, ये रिकमेंड किया जाता है, सिंपली आप कह सकते हैं महिलाओं के लिए मासिक धर्म अनियमित है उस केस में, 6 दिन चलने वाली साइकिल लगभग 6 दिन तक चलती नहीं है, 25-30 दिन में रिपीट होने वाली साइकिल रिपीट होती नहीं है, अभी 15 दिन 45 दिन इस तरह से लगता है समय, तब आपके बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसके चलते कभी आपको पिंपल्स देखने को मिलेंगे, कभी आपको स्किन डलनेस देखने को मिलेगी, बाल झड़ते मिलेंगे, या कोई भी आपको दिक्कत इस तरह की हो सकती है, कमजोरी ताकत बीमारियां ये सब समस्याएं साथ में रहती है हार्मोनल डिसबैलेंस के बैलेंस करने के लिए। दूसरी जरूरी चीज इसके साथ में, ल्यूकेरिया की अगर समस्या है तब किया जाएगा, तो गाइनेडोक्रस 15-20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लिया जाता है नॉर्मल केस में महिलाओं द्वारा। दूसरा, यहाँ पर इसके साथ में जब ल्यूकेरिया की समस्या है तो कैल्शियम टैबलेट विद विटामिन D2K2 दिया जाएगा, अगर महिला की उम्र 30 से ऊपर, अगर महिला की उम्र 30 से नीचे है तो आप काउसीडॉक कैप्सूल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आप इसके बाद हम बात करें, अगर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये लगभग कैंसरस केसेस में PCOD, PCOS, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ऐसे केसेस में ये लगभग आप कह लीजिए कैंसर के कॉम्बिनेशन के साथ ऊपर से 10-15 ml तक दिया जा सकता है। कैंसर का कॉम्बिनेशन थोड़ी देर में बात करते हैं हम,
नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव इज योर डाइबोडोकरस. डाइबोडोकरस महिलाओं के लिए रिकमेंडेड, सॉरी आपका जो भी कुछ आप खाना वाना खाते हैं उन सबसे ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज आपके शरीर में पूरे शरीर में ताकत के रूप में बांटा जाता है ब्लड के माध्यम से. लेकिन लेकिन जब अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड के माध्यम से, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पर, आप लोग मैसेजेस बंद कर दीजिए नहीं तो मुझे बार बार डिस्टर्बेंस एंड डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा. कोई बात नहीं, लेट मी क्लोज दिस चैट बॉक्स फर्स्ट. ओके चलिए. यस, ब्लड में बढ़ा हुआ ग्लूकोज समस्या का कारण होता है क्योंकि